नमस्कार, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे क्रिया विशेषण और संबंध सूचक में क्या अंतर है। क्रिया विशेषण और संबंध सूचक में अंतर। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध सूचक दोनों रूपों में किया जाता है, जैसे सामने, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर, दूर, पास, यहाँ, अंदर, बिना, नीचे आदि। परंतु यह बात याद रखिए कि जब यह शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जब यह शब्द दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध का बोध कराते हैं तो वह संबंध सूचक कहलाते हैं। अब हम क्रिया विशेषण और संबंध सूचक के उदाहरण एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इसमें अव्यय दिए गए हैं, उसके आगे वह अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में दिया गया है और आगे वही अव्यय संबंध सूचक के रूप में दिया गया है। पहला अव्यय देखिए, बाहर। तुम बाहर जाओ। इस वाक्य में बाहर यह शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए बाहर यह अव्यय क्रिया विशेषण है। और दूसरा वाक्य देखो, तुम घर के बाहर जाओ। इस वाक्य में बाहर यह अव्यय संबंध का बोध करा रहा है, इसीलिए बाहर यह अव्यय संबंध सूचक है। ऊपर, सुरेश ऊपर खड़ा है। सुरेश छत के ऊपर खड़ा है। इनमें से पहले वाक्य में ऊपर यह क्रिया विशेषण है और दूसरे वाक्य में ऊपर यह संबंध सूचक है। सामने, तुम सामने रहते हो। तुम अस्पताल के सामने रहते हो। आगे, वह आगे निकल गया। वह दीपक के आगे निकल गया। यहाँ, तुम यहाँ रहते हो। तुम अपने दादाजी के यहाँ रहते हो। नीचे, मोहन नीचे बैठा है। मोहन खाट के नीचे बैठा है। पीछे, वह पीछे आया। वह गणेश के पीछे आया। यहाँ पर पहले वाक्यों में दिया गया अव्यय क्रिया विशेषण है और बाद के वाक्यों में दिया गया अव्यय संबंध सूचक है। धन्यवाद।